कब तक सोएगा? 8 बजे तक, 10 बजे तक, अरे मैं पूछ रहा हूँ कब तक सोएगा? मौत के आने तक, आंखें धुंधली होने तक कब तक सोएगा? तेरे ख्वाबों के ब्लर होने तक, सांसों को आधा झूलने तक कब तक सोएगा यार? कब तक सोएगा? देख दुनिया कितनी आगे भाग गई है, जो चांद आधा था वो पूरा हो गया, कितने सूरज उगकर वापस ढल गए, कितने मौसम आए और चले गए, और तू सिर्फ सपने देखने में ही रह गया। काश के तू थोड़ा उनको पूरा करने पर भी ध्यान देता, काश के तू थोड़ा मन लगाकर पढ़ता। बातें तो सभी करते हैं कि अगर तुम्हारे पास आखिरी का एक दिन होता तो क्या करते, लेकिन ऐसा सच में करके देखो, सोचो कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, और अगर वो आखिरी दिन है तो तुम उस काम को करोगे जो तुम्हें अंदर से सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन देता है। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे सेटिस्फाइंग काम है स्टडी करना। याद करो जब तुम किसी दिन अच्छी पढ़ाई करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, याद करो जब तुम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर ये तुम्हारा सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन है और सिर्फ तुम्हारे मेहनत करने से तुम्हें मिलता है, तो फिर कभी कभी क्यों, हमेशा क्यों नहीं, क्यों नहीं पढ़ सकते तुम हमेशा? क्या तुम इतने पागल हो गए हो कि जिस काम से तुम्हें सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको छोड़ दोगे और इग्नोर करोगे? आज से इसी तरह से पढ़ाई करना जैसे आज का दिन आखिरी दिन है, कल एग्जाम है, भूल जाना कि 2 महीने बचे हैं या फिर 3 महीने बचे हैं, एग्जाम कल है और तेरे पास आज का आखिरी दिन है, क्या करेगा बता? नींद तो आएगी नहीं कल एग्जाम है तो, बिल्कुल फ्री भी नहीं बैठेगा अगर आज का दिन आखिरी दिन है तो, मोबाइल पर टाइम पास भी नहीं करेगा अगर आखिरी दिन है तो। अगर बहुत बड़ा करना है तो अपने अंदर एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करो कि मेरे पास इस काम को करने के लिए सिर्फ आज का दिन है। जरूरी नहीं कि आज के दिन में वो काम पूरा हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक जिंदगी की परीक्षाओं से लड़ते रहना ही एक वीर योद्धा की निशानी है। एक स्टूडेंट के लिए आखिरी वक्त तक एग्जाम से लड़ते रहना ही उसका धर्म है, लास्ट सेकंड तक सीखते रहना ही उसका धर्म है। चीजों को प्रैक्टिकली समझो, रटो मत, उनको विजुअलाइज करो। किताबें बोरिंग तुम्हें तभी लगती है जब उसको एक निर्जीव वस्तु मान लेते हो, उसकी हर एक लाइन को विजुअलाइज करो, हर लाइन एक छोटा सा सीन बयां करती है। फिर भी याद नहीं हो रहा तो लिख लिख के याद करो, लेकिन करो। ये पढ़ाई की एग्जाम जिंदगी की सबसे छोटी और पहली एग्जाम है, जिसके बाद लाइफ में एग्जामों की लाइन लगी हुई है। हर एग्जाम का लेवल बढ़ता जाएगा और वहां से किसी दिन पीछे देखोगे तो पाओगे कि ये पढ़ाई वाली एग्जाम तो सच में बहुत छोटी सी थी। फील करो जब तुम पास होकर अगली क्लास में चले जाते हो तो पिछली क्लास की पढ़ाई तुम्हें कितनी आसान लगने लग जाती है। यही चीज लाइफ में होती है, पढ़ाई की एग्जाम को क्रॉस कर जाओगे तो ये भी छोटी लगने लगेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एग्जाम वाला लेवल अच्छे मार्क्स से पार करना होगा। भले ही मेरिट में ना आ पाओ, भले ही फर्स्ट रैंक पर ना आ पाओ, लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे तो फ्यूचर वाली जिंदगी की एग्जामों में कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम बहुत मेहनत कर सकते हो और हर मुश्किल से लड़ सकते हो। किताबों में होता ही क्या है, हर लाइन शब्दों से मिलकर बनती है, और अगर उन्हीं शब्दों का सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो लाइन का मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए रटने का काम नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग उनकी सीक्वेंस भूल जाएगा। अगर याद करना है तो कंसेप्ट क्लियर करो, उनको समझो, और ना समझने में बगावत करता है तुम्हारा दिमाग, जो कि फालतू चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है, निगेटिव चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है। जिस दिन तुम्हारी दोस्ती किसी किताब से हो जाएगी तब उस किताब के पूरा पढ़ लेने पर तुम इमोशनल हो जाओगे, जैसे कि कोई फ्रेंड तुमसे दूर चला गया हो, और फिर तुम उसके वापस बनने पलटोगे, उसमें तुम वापस खोना चाहोगे। जिंदगी में आगे जाकर ये पढ़ाई वाला वक्त तुम्हें बहुत याद आएगा, और सच बता रहा हूँ तुम तब सोचोगे कि शायद थोड़ा और ज्ञान हासिल कर लेता तो आज मैं अपने सपनों के ब्रांड वाली कार रखता। लेकिन तब सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ अभी करने से होगा। सीखो, आगे बढ़ो, और जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए ज्ञान का एक मजबूत कवच तैयार करो। जय हिंद, वंदे मातरम।